तो हाँ यार, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और देखो, इस वीडियो में बात करने वाले एक नई मलयालम मूवी जिसका नाम होने वाला है कैथल, और इसी करेंगे रिव्यू। पर इस इंट्रो के बाद, वेलकम टू रीजनल मूवीज रिव्यू। देखो, अगर बात कर ले इसकी कहानी से तो यार कहानी मत जानो, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है और उस पॉइंट के मतलब इर्द गिर्द पूरी स्टोरी को रखा गया है। अगर वही आप जान जाओगे तो यार बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा और मजा खराब हो सकता है। तो यार इस बार स्टोरी मत जानो, बस ये जान लो कि मूवी को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए और क्या मूवी अच्छी है कि खराब है। तो देखो, अगर मुझे इसके स्टोरी के बारे में बोल रहा हूँ तो स्टोरी का पॉइंट यार काफ़ी हद तक ठीक लगा, क्योंकि यार इस पॉइंट पे हमने पहले भी यार मलयालम सिनेमा से एक दो मूवीज देखी हैं, पर फिर भी इस पॉइंट को आप मतलब यूनिक बोलोगे। साथ में ऐसा नहीं है जिसको आप प्रिडिक्ट करो, जो चीज़ें देखने को मिलती है, जो पूरा ड्रामा देखने को मिलता है, वो काफ़ी हद तक आपको पसंद आएगा और चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसका मेन रीज़न है कैरेक्टर राइटिंग, क्योंकि जो कैरेक्टर राइटिंग देखने को मिलती है यहाँ पे पूरे फैमिली की, वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और स्टोरी का जो पूरा प्रेजेंटिंग का तरीका था वो दमदार था, गारंटी से, जो आपको इंगेज करके रखता है और आपको अच्छा लगता है, जिससे आप मूवी से बोर नहीं होते हो। एक ड्रामा होने के बावजूद आप मूवी से कहीं बोर नहीं होगे, जो एक अच्छी बात है। उसके बाद बात आती है स्क्रीन प्ले के बारे में, तो लगभग यार स्क्रीन प्ले की राइटिंग भी यार अच्छी है, क्योंकि चाहे फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो, दोनों ही आपको अच्छे लगने वाले हैं, पसंद आने वाले हैं। और ये एक अच्छी राइटिंग, एक अच्छी स्क्रीन प्ले की मतलब पहचान है, जिससे आप पूरे मूवी में उलझ जाते हो, और ये चीज़ यार ये पूरी मूवी करती है तो करती है। उसके बाद बात आती है इसके सस्पेंस और ट्विस्ट के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े देखने को नहीं मिलेंगे, लगभग ठीक थे, डिसेंट टाइप थे, लगभग यार ठीक थे, डिसेंट टाइप थे। साथ में मूवी का जो पूरा प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी आपको डिसेंट ही लगने वाला है, और लगभग एक रियलिस्टिक जो टच होती है मलयालम मूवीज़ में वो देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे भी, जो एक बढ़िया बात थी। VGM सच में अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। देखो यार, मूवी जो मेन हाईलाइट है वो ड्रामा है और वो पॉइंट है, और उस पॉइंट को जिस तरीके से ख़त्म किया गया है, जो चीज़ें निकल के आती हैं वो आपको पसंद आएगी, और इसी वजह से पूरी मूवी पसंद आने वाली है। फिर उसमें मेन प्लस फैक्टर काम करता है मनमोटी सर का काम, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, और उनसे लग भी जो पूरी स्टारकास्ट देखने को मिली है उन सबका काम यार बहुत ज़्यादा अच्छा है, लगभग तारीफ करने लायक है, और उन सबके वैसे आप पूरे मूवी में उलझे रहते हो, पसंद आती है आपको मूवी। साथ में जो पॉइंट है वो भी आपको पसंद आएगा। तो मेरे हिसाब से एक बार जाओ, देखो, एंजॉय करो, एक अच्छे पॉइंट के साथ, एक अच्छे प्लॉट के साथ मूवी आई है, मूवी आपको पसंद आएगी, ड्रामा आपको अच्छा लगेगा, गारंटीज लगेगा, इंगेजिंग है, एक बार देखना चाहिए। तो जाओ यार, देखो, एंजॉय करो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो साथ में।